नमस्कार पवन भाई। नमस्कार भैया जी। नमस्कार। तो पवन भाई, कब से दिक्कत आपको ये? भैया जी, जन्म के 1 साल बाद की दिक्कत है। दिक्कत कैसे हुई 1 साल बाद? ये पोलियो हो गया था एक्चुअली। अच्छा, इंजेक्शन वगैरह लगते थे पहले, उसके पोलियो हो गया था दोनों पैरों में, तो चल नहीं पाते। इलाज भी कराया था, विशाखापट्टनम गया था। अच्छा, ऑपरेशन भी कराया था, पैसा खर्च भी किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो अभी आप चल नहीं पाते? नहीं, आपने देखा अभी मैं हाथों के? हाथों से। ठीक है ठीक है ठीक। उम्र कितनी है आपकी? मेरी 30। अच्छा, तो बहुत परेशानी होती होगी काम करने में चलने में? बहुत काम ही नहीं है सर कोई भी, भैया क्या करे, मजबूरी है। शादी हो गई आपकी? नहीं सर, मेरी शादी नहीं। ना तो शादी का कोई विचार है, नहीं विचार। क्यों नहीं शादी का? सर शादी का देखो, अपना खर्चा नहीं उठा पा रहा हूँ मैं। जिस आदमी के पास अभी लगा लो कि मेरे आने के जाने तक के लिए मुझे कहीं से देखना पड़ता है कि कहीं किराया वगैरह मिलेगा, तब जाऊँगा, क्या करूँ। बस काम के लिए परेशान हूँ, आपसे एक उम्मीद थी करके बस मैंने सोचा आप सन्नी भाई से ही मिल सकते हो किसी से। उम्मीद मैं कह रहा हूँ, आप इतनी जल्दी मुझे किसी का रिस्पॉन्स कमेंट में नहीं मिला। कितने कितने चैनल चल रहे हैं सर? मैं अच्छा, आपने कई यूट्यूबर्स को कमेंट किया था? कितने कमेंट दिखाऊंगा मैं अपने फ़ोन में, कितने फ़ोन में कमेंट है मेरे में, किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। जितनी जल्दी आपका फ़ोन का रिस्पॉन्स मिला मुझे, हर बार कॉल तो मुझसे बात की आपने, मैं तो तभी समझ गया था आज के बाद में मेरी सारी परेशानी खत्म होने वाली है। ये मेरा दिल कहता है अभी भी बैठा हूं। बहुत छोटे पवन अभी तो यार। सर दिल तुम्हारा छोटा नहीं है, आपके बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। सारी वीडियोस देखते हो? सारी वीडियो नहीं, किसी बारे में पूछ लूँ, तुम्हारी शादी की वीडियो के बारे में पूछ लूँ। अच्छा, सब मतलब फेसबुक से लेके इंस्टाग्राम सब कुछ आपने? भाई फॉलो करते हैं आपको, तभी तो हमने एक उम्मीद जगी थी कि भाई मदद करेंगे हमारी। आपने फोन कर दिया कि भाई तो मैं आ रहा हूँ आपका, और ये लेके आ रहा हूँ। आपका पहला ही कमेंट था, मतलब कमेंट तो बहुत सारे थे उसके अंदर, उसमें नज़र मारी तो देखा कि आप भैया मेरी कैसे भी करेंगे, यही मेरा काम। मैं तो जिंदगी में भगवान से ज़्यादा पूछूंगा जिस दिन मिल गया। अरे नहीं नहीं भाई साहब, कमाल है। हकीकत बता रहा हूँ भैया, सुसाइड तक की नौबत है। नहीं मतलब आपने जो मेरे को जो आपने कमेंट किया ना, मतलब मैं कमेंट वगैरह बहुत कम टाइम मिलता है, आपको पता ही बिजी लाइफ है पूरी, तो कमेंट वगैरह चेक किए तो उसमें देखा आपने कॉन्टैक्ट नंबर डाला हुआ था अपना, फिर मैंने तुरंत संपर्क किया आपने, आपने उसमें मेंशन ये किया हुआ था कि मेरे को व्हील चेयर की ज़रूरत है। तो इससे पहले कितने और लोगों को कमेंट किया था आपने? सर मैंने काफ़ी लोगों को, आप किसी का नाम तो नहीं ले सकते हम चेहरा। अच्छा, वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं आया? लेकिन काफ़ी है, मैं आपको दिखा भी दूंगा, आप देखना चाहोगे तो। एक रिस्पॉन्स नहीं मिला मुझे। अच्छा। जितने भी हेल्पिंग के नाम पे चल रहे हैं ना, वो मैं उनको दिखा भी सकता हूँ सबको कमेंट के, मैंने ये कमेंट किया, किसी का रिटर्न नहीं। तो कितने टाइम से आपको जरूरत थी व्हील चेयर की, कितने टाइम से लोगों को मैसेज वगैरह कर रहे थे? व्हील चेयर की जरूरत थी कम से कम, मैं बता तो रहा हूँ, जब 3 साल से मेरे पास कुछ है ही नहीं काम करना, तो मुझे 3-4 साल से व्हील चेयर की जरूरत तो थी। मुझे ट्राईसाइकिल की जरूरत, मेरी ट्राईसाइकिल खराब पड़ी हुई है। अच्छा, तो इसलिए मैंने कहा व्हील चेयर भी मेरे पास होनी चाहिए। जो मतलब देखा जाता आपने 2-3 साल से कई लोगों को मैसेजेस वगैरह किए? काफ़ी, हाँ बोल तो रहा हूँ, मैसेज कर रहा हूँ, हेल्प मांगी है। मुझे सरकारी संस्थान से कोई मदद नहीं मिली, दुनिया की बात छोड़ दो। चलो भगवान ने किसी ना किसी रूप में मेरे को भेजा आपके पास। आपसे बात करके बाद में तो पता नहीं, आज भी मेरा दिल कहता है कि मेरा सारा काम मैं ठीक हो जाऊंगा, मेरा मन कहता है। मैं पवन हमेशा साथ हूँ यार, कोई बोलने की बात ही नहीं है भैया। मैं आपका तो बस ये मान लो कि जिंदगी भर आभारी रहूंगा। अरे नहीं नहीं, ये भूल नहीं सकता मैं। आज के बाद में आपकी तस्वीर मेरे दिल मेरे कमरे में होगी, ये मैं वादा करके जा रहा हूँ, आपसे कभी भी देख लेना। अरे नहीं मेरे भाई, इतना सम्मान करता हूँ, इतना प्यार दे दिया आपने, बहुत अच्छा। आपके लिए कुछ लेके आया हूँ, पहले दिखाता हूँ, बैठो आप एक मिनट। ये भाई, ये व्हील चेयर। अरे धन्यवाद की कोई बात नहीं मेरे भाई। पहले बताओ कैसी लगी? ज़बरदस्त। ये आपकी फुल टू मजबूत है और नहीं, काफ़ी मजबूत है। चेक करो उस फ्रेम। बढ़िया क्वालिटी ये दिख रहा है। अच्छा, बहुत बढ़िया, पसंद आ गई मतलब पवन भाई को? भाई आपका गिफ्ट पसंद नहीं 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 ठीक, आप ही से बस उम्मीद है अब सारी। नहीं क्या करना है, तो बस आप ही को बैठ जाने दो, इसको अपने पास रख लो, ये खोल लेना आराम से जब मैं जाऊंगा। थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच। और कुछ अपने दिल की बात आप कहना चाहते हो तो वो बताइए हमें आप। भैया मुझे अब कोई ना कोई काम। अच्छा, नौकरी करना चाहते हो आप? नौकरी चाहिए, काम करवाओ, कुछ भी करवाओ, मेरी ये हेल्प आपको करनी है।
इससे पहले कोई काम, और मुझे आप, मैंने काम से वो भी बताया तो है आपका, जो मैंने दुकान भी की है गाँव में भी दुकान की है। क्या सैलरी लेते थे आप? मैंने काम से करीबन ऐसे 12-13 हज़ार 14 हज़ार रुपये तक मिलते थे। अच्छा, काम मैंने अच्छा कमीशन एजेंट पर मैंने एक प्रॉपर्टी डीलर के यहाँ काम किया था, काम तो मैंने किया। तो अभी एक शोरूम में अगर लगवाता हूँ नौकरी आपकी, तो स्टार्टिंग में अगर 10,000-11,000 लग जाए, मिल जाए आपको, तो बहुत है आपके लिए। भाई जी, मैं तो अभी से तैयार हूँ, मैं इतना परेशान हूँ काम के लिए। और ये मान लो कि मैं आपका कैसे शुक्रिया करूँगा, मेरी खुद समझ, जो व्यक्ति 3 साल से परेशान हो, जिंदगी जिसकी जिंदगी मौत के लाइन पर खड़ी हो, और उस आदमी को काम मिल जाए, तो मेरे लिए तो ये मान लो कि सारी दुनिया मिल गई। मैं दुनिया ही छोड़ दूंगा, वो माया सबको छोड़ दूंगा, काम में लीन हो जाऊंगा। कभी इतना परेशान हूँ सन्नी भैया, मैं बोल नहीं सकता, बस मेरे दिल अंदर से रोता है, मैं भर चुका हूँ, आंसू नहीं निकलते मेरे, अब नहीं निकलते, बहुत रो लिया, अब निकलते ही नहीं है, अंदर से दिल बस परेशान है। मतलब आपको अगर अभी 10-11 हज़ार की मैं नौकरी लगवा दूँ तो करने के लिए तैयार हो आप? बिल्कुल भैया जी, बिल्कुल करने के लिए, बहुत तहे दिल से करने के लिए तैयार हो, कोई शिकायत का मौका जिंदगी में नहीं मिलेगा। ठीक, जो इंसान परेशान हो उसको काम मिल जाए, डूबते को सहारा बोलते हैं, बस वो मिल गया। तुम मुझे कितने दिन हुए आपके कमेंट किए? 5 दिन कमेंट, 6-7 दिन कमेंट को हुए होंगे मुश्किल से, इतनी जल्दी आपका रिस्पॉन्स मिल गया, आपने मुझे बुला लिया, यही तो। अब बताओ मैं कैसे, मैं छोड़ दूंगा, आप मेरी हेल्प नहीं करोगे? मुझे तो पूरा भरोसा, पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ मेरी हेल्प होगी आपसे। ये तो आभारी रहूँगा भैया मैं जिंदगी। नहीं नहीं, कोई आभारी वाली बात नहीं है, मेरा फर्ज है। अगर आप जैसे और भी भाई कहीं कमेंट करेंगे ना, तो पहले मेरी टीम उसको सर्च करती है, देखती है, पूरा सर्वे करने के बाद ही हम आगे बढ़ के मदद करते हैं। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ये तो मुझे खुद पता है आप कैसा काम करते हो, मैं तो सारी वीडियो देखता रहता हूँ, वीडियो देख के मैंने सोचा, एक लगी जगी ना उम्मीद कि भाई यार ये हेल्प करते हैं सब, मुझे लग रहा है कि ये हेल्प करते हैं, मुझे रिस्पॉन्स मिल गया आज मेरे सामने और आगे भी मेरे सामने। अब मैं तो आपको छोड़ूंगा नहीं, मैं तो किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, किसी कीमत पकड़ के रखोगे मतलब है? नहीं भैया, मुझे ठीक है भाई, जिस भैया से उम्मीद हो तो मैं कैसे छोड़ दूंगा, मेरे लिए तो अब बस कहानी खत्म होगी। काम के लिए इतना परेशान, काम भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, मेरी तरफ से आपके लिए हमेशा भैया वही रिस्पेक्ट, जिंदगी बढ़ता ही दिल से बस मानना। मैं वीडियो में भी देख के आपकी इज्जत करता था, ये लगा लो हिसाब, मैंने वीडियो से भी कभी भी तुम के अलावा तुम भी नहीं बोला मैंने आपके अलावा। जो इलाज होना, इलाज का कोई खर्चा आपका नहीं? अब इलाज का तो सब ठीक है भगवान की कृपा से, माता की तबीयत थोड़ी सी खराब रहती है तो मैं उनका ट्रीटमेंट है वो कराना चाहता हूँ। ठीक है पवन भाई, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और कभी भी भगवान से नाराजगी मत रखना, भगवान सबके लिए बराबर है। अरे नहीं नहीं, मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे, तुमसे मिलके तो मैं इतना खुश हुआ, बात करने के पहले ही हो गया था मैं, और मैंने लिख के भी मैसेज बोला था आई एम वेरी हैप्पी भैया, मैं उसी दिन से खुश हूँ। नहीं बहुत बड़ी, उसी दिन से खुश हूँ, आराम आपके दर्शन हो गए तो बहुत खुशी। नहीं नहीं, दर्शन क्या, छोटा भाई हूँ आपका मैं, और कभी भी जरूरत पड़ती है वैसे नौकरी का तो मैं पक्का डन हो जाएगा, मेरे को 7-8 दिन का टाइम दे दो आप, करवा दूंगा मैं, चिंता ना करो आप, ठीक है ना।